अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तालीम स्पेशल से आपका मेज़बान अहमद साबिर सुभानी हाज़िर है। नाज़रीन, सर्दियों की आमद आमद है, इसके साथ सर्दियों के साथ जहां सर्दियों के मौसम आता है वहां एक दो चीज़ें और भी लेके आता है, उसमें एक चीज़ है स्मोक। ये पहले नहीं होती थी, ये कुछ सालों से बल्कि एक डिकेड से ये स्टार्ट हुई है, दूसरे ममालिक में तो ये होती थी। तो आज हम बात करेंगे स्मोक पर। हमारे स्टूडियो में दो साहिबान मौजूद हैं और मैं इनको वेलकम करता हूँ अपने स्टूडियो में। जी, मैं डॉक्टर ज़मीर साहब से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में तशरीफ़ लाए, और उनके साथ डॉक्टर शाकिर साहब बैठे हुए हैं जो कि UET लाहौर के सिटी एंड रीजनल प्लानिंग के चेयरपर्सन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और आप लोग हमें आगाही मुहैया करेंगे हमारे नाज़रीन को स्मोक के इशू पर। डॉक्टर ज़मीर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मैं ये पूछना चाहूँगा, ये स्मोक क्या है, क्यों होती है और ये किस बला का नाम है? ये वाकई एक बला है जो हर साल जो है वो सैकड़ों लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों की शक्लों में खा जाती है। खा जल्दी से हाँ, मुराद है वो कि ये दुनिया से जानलेवा, जानलेवा लाइफ लाइफ थ्रेट्स, बिल्कुल जानलेवा है, ये तो और अगर अब एहतियात ना की जाए और इसका प्रॉपर तरीके से इसका तदारुक ना किया जाए तो ये जानलेवा है। फिर कई लोग जो है वो एक्सीडेंट्स के वजह से या जख्मी हो जाते हैं या मौत के मुंह में चले जाते हैं। यानी कि इसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी, बेशुमार होते हैं, हादसात भी बहुत होते हैं, ज्यादा होते हैं, रोड रोड एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट इतने ज्यादा होते हैं कि कई लोग तो सरवाइव भी नहीं करते और दुनिया से चले जाते हैं। फिर बीमारियां मुख्तलिफ किस्म की लग जाती हैं लोगों को, जैसे दमा है, सांस की बीमारी है, हार्ट कंजेशन है, सांस का रुकना है, एलर्जी है और नेजल एलर्जी है, आंखों की जो है वो ख़ारिश, इरिटेशन आंखों के अंदर, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं। और जो लोग पहले से इन बीमारियों के मरीज़ होते हैं, जैसे हार्ट है या अस्थमा है इस किस्म की, या साइनस प्रॉब्लम है, उनके लिए ये जानलेवा साबित हो जाती है बाज़ दफ़ा। मैंने खुद, मेरा ज़ाती तजर्बा है कि कई लोग इसके साथ जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये एक वाकई बहुत बड़ा ख़तरनाक जो है ना वो एक लेकिन फिनोमेना डॉक्टर है। साहब, ये आप पहली दफ़ा शायद बता रहे हैं किसी मीडिया पे कि ये स्मोक एक जानलेवा बला का नाम है। इससे पहले तो गवर्नमेंट की लेवल पे या किसी और लेवल पे लोगों तक ये बात पहुंची नहीं कि स्मोक के क्या नहीं, खतरात देखिए होते ये हैं। इसकी सिवेरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो इसका इसकी वेव है या हमला है वो कितना सिवियर है। जैसे कि दो, ये आपने अभी शुरू में बात नहीं भी डॉक्टर साहब, की मैं आपकी कि बात काटूंगा। इसकी सिवेरिटी जो आप कह रहे हैं कि इसकी जो शिद्दत है, इसके बारे में भी आगाह करना हुकूमत का काम है कि ये बहुत सिवियर हो गई है तो आप एहतियात बिल्कुल करें बिल्कुल या ऐसे ही है, एहतियाती बिल्कुल तदाबीर। ऐसे ही है। हुकूमत ने तो इसकी तरफ वो तवज्जो ही नहीं नहीं, देती। ऐसी बात नहीं है, हुकूमत लोगों को आगाह मुख्तलिफ मीडिया पे करती सर, रहती वो है। सिर्फ छुट्टियां देती है बच्चों को और कुछ भी नहीं नहीं, करती। लेकिन जी, स्कूल बंद कर देंगे, इसके वो अलावा वो क्या ठीक है, करें। ये बात आपकी दुरुस्त है, ये कुछ भी होता है, लेकिन लोगों को ये भी ताकीद की जाती है कि आप ज़्यादा जो है वो बाहर ना निकलें, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम करें और ज़्यादा स्मोग में जो है वो अपनी बाइक्स वगैरह ट्रैवल ना करें। ये आगाही तो दी जाती है कि घरों तक महदूद रहें जिस कदर भी हो सके, बिल्कुल तो नहीं रहा जा सकता लेकिन जिस कदर भी हो सके वो होना चाहिए, ये तो आगाही गवर्नमेंट हमेशा देती है। और जैसे आप कह रहे हैं कि पहली दफ़ा ये हॉस्पिटल्स की हमारे पास, अब तो नहीं, ये 2 साल पहले से, पिछले साल भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ मरीज़ ऐसे आए हैं जिनके लिए ये हमला जानलेवा साबित हुआ है। तो ये इसलिए, अब जैसे अभी आपने ये बात कही है ना कि ये स्मोक तो पहले तो नहीं होती थी, अब हुई है, ये हकीकत है। स्मोक जैसे आपको पता है मजबूर है दो चीज़ों का, स्मोक और फॉग। फॉग लाहौर में हमेशा होती रही है, जी, वो तो हमेशा, हमेशा से मेरे होती रही, बचपन से मैं देखता हूँ वो। और फॉग के लोग कई बड़े शौक भी एक अच्छा हो, मौसम इंजॉय हाँ, एक करते कई थे, लोग फॉग देखते वो एंजॉय भी करते इंजॉय भी करते एंजॉय भी थे। हाँ, करते लेकिन इसमें जब ये स्मोक शामिल हुआ है ना, ये 2016 से पाकिस्तान में शुरू हुआ है, सबसे लाहौर में एटलीस्ट जो है ना,
पहली इसकी जो शदीद वेव आई है ना वो 2016 में आई है, और उसके बाद ये एक एक किस्म का सीजन बन गया जो अब आने वाला है। जी हर साल ही ये आता है। पांचवा सीजन आ गया है, जो पहले चार थे अब ये पांचवा आ गया है। तो इसकी भी हमें पहले से तैयारी रखनी चाहिए। हम अगर गर्म कपड़े निकालते हैं सर्दियों के लिए तो हमें इसके लिए भी तैयारी रखनी चाहिए। अब उस तैयारी में दोनों जो फरीक हैं, गवर्नमेंट भी और अवाम भी, दोनों का मिल के चलना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। हम ना सिर्फ अवाम को हम कह सकते हैं मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, ना हम गवर्नमेंट को ये कह सकते हैं वो कुछ करते नहीं है। करते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। मास्क का इस्तेमाल करें, बाकी ऐसे मतलब एहतियात रखें, वो आजकल वैक्सीनेशन हो रही है, वैक्सीनेशन करवा के रखें, ये हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना कि हम उसके ऊपर अमल करें थोड़ा सा। नहीं डॉक्टर साहब, हमारा फर्ज बनता है। हम देखें, टैक्स पूरा देते हैं, हम 330 रुपये का पेट्रोल खरीदते हैं, हम 40-50 रुपये का बिजली का यूनिट खरीदते हैं, और ये खरीद के हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को फंड करते हैं कि वो हम पे रूल करें। उनका जो जो अरबाब इख्तियार हैं, जिनको हम 330 रुपये का पेट्रोल खरीद के और 30-40 रुपये का बिजली का यूनिट खरीद के हम ये सारे फैसिलिटीज मुहैया करते हैं, वो क्या करते हैं हमारे लिए? वो मेरा देखें मेरा ना, पूछने का ये मतलब ये है। देखिए इसमें वो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें कोताही गवर्नमेंट की नज़र आती है, लेकिन हम अगर ये कहें कि वो बिल्कुल कुछ भी नहीं करते, तो देखिए ये सबसे ज़्यादा स्मोक की जो वजूह है ना, वजूहत है ना, वो ये इमिशन फ्रॉम द मोटर व्हीकल्स है, मोटर सब ये किस्म की, जी ये चाहे चाहे वो गाड़ी हो मोटरसाइकिल हो, सारी इनकी पॉल्यूशन जो ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है वो। जी, आपने अब बात की तो अब ये डॉक्टर शाकिर साहब को हम गुफ्तगू में शामिल जरूर करेंगे। जरूर जी, डॉक्टर शाकिर साहब चूंकि सिटी और अर्बन प्लानिंग के माहिर हैं, डॉक्टर साहब पहले तो मैं आपसे ये बात करूंगा कि लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, जी लेकिन इसका एयर क्वालिटी, एयर इंडेक्स दुनिया के ख़राब तरीन शहरों में शामिल होती है। और जब से हमारी एयर इंडेक्स इस लेवल पे पहुंची है तो फॉग जो है उसमें स्मोक भी शामिल हो गई है, और इसकी जो एक बड़ी वजह जो लाहौर में एक हैवी अर्बनाइजेशन हुई है और एक मशरूम ग्रोथ हुई, यानी कि जो फैक्ट्रियां बनी हैं, कारखाने बने हैं, वो भी कोई प्लांट से नहीं बने, और आबादी में इजाफा हुआ है, और ये जो सारी अर्बनाइजेशन हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, इसकी कोई मुनज़्जम प्लानिंग नहीं हुई जी बिल्कुल और इनके कोई मेजर्स नहीं लिए गए, और इस वजह से जैसे इन्होंने बात की, मोटर व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो गए, आबादी बहुत, जिससे हमारा फजाई आलूदगी ख़राब हो गई। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सादी साहब कि आपने इस बड़े मुनासिब मौके पर इस बड़े इंतहाई अहम मौजू को आपने चुना, क्योंकि सर्दियों की आमद आमद है और उस हवाले से हर साल ही, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी तذکرہ भी किया कि हम इस इशू से गुज़रते हैं, तो बेहतर यही होता है कि किसी भी इशू को हम टाइमली चेक हैंडल कर कर लें, हैंडल कर लें, और उसके हवाले से जो भी तजावीज़ हों, एहतियाती तदाबीर हों, उनको हम इख्तियार करें। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बात की जानी चाहिए, और हमारी सोसाइटी के जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनका एक अपना रोल है जो इसमें प्ले कर सकते हैं। तो जो सवाल आपने किया मुझसे, मैं अर्ज़ करता चलूँ कि कोई भी इशू हो, वो समाजी मामला हो, वो इन्वायरमेंट का मामला हो, वो इकोनॉमिक मामला हो, उसका तजिया करने के हवाले से दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं। या तो हम रिएक्टिव मोड में चीज़ों को और इश्यूज़ को सिम्टोमेटिक कंडीशन में लें। नाउ स्मोक इज़ एन इशू, अ सिम्टम जो आपको इफ़ेक्ट करती है, पूरी सोसाइटी को इफ़ेक्ट करती है, लेकिन हर इशू के पीछे भी एक रीज़निंग होती है और उसको हम कॉजेटिव अप्रोच कहते हैं।
स्मॉग का इशू जो हमारे सामने विजिबल है, नज़र आ रहा है हमें, डेली लेवल पर इफ़ेक्ट कर रहा है, इसका एक बैकग्राउंड है। और वो बैकग्राउंड आपने बिल्कुल सही तजिया फरमाया कि शायद वो हमारे शहरों की नामुनासिब ग्रोथ है, और अनप्लान्ड और इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन है। और ऑफ कोर्स अर्बनाइजेशन का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत गहरा ताल्लुक है। जो अर्बनाइजेशन हमें सारी दुनिया में नज़र आई है, उसकी बैकग्राउंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है। यूरोप इससे गुजरा यानी है कि इंडस्ट्री लगी है और और अर्बनाइजेशन अर्बन, तो इसका गहरा ताल्लुक वो है। ड्राइव करती है, इंडस्ट्री वो ड्राइव करती है। एग्जैक्टली इंडस्ट्री ड्राइव करती है। और इसका एक बड़ी लॉजिकल रीज़न है कि जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, वो जो सेटलमेंट प्रोड्यूस करती है, उसको हम विलेज कहते हैं। और उसका चोली दामन का साथ है, क्योंकि एक ख़ास हद से ज़्यादा एग्रीकल्चर किसी ख़ास सेटलमेंट को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, तो ये पॉसिबल हो गया कि हम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कई किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट कर सकते हैं। तो और लामहाला शहरों ने बड़ा होना ही था, और अर्बनाइजेशन एक इंडिकेटर है, सॉरी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक इंडिकेटर है अर्बनाइजेशन का। ये यूरोप में हुई, अमेरिका में हुई, साउथ अमेरिका में हुई, पूरे एशिया में हुई, साउथ एशिया में हुई, और आज हम उसका शिकार हैं। तो अर्बनाइजेशन के जो मुख्तलिफ लेवल्स और रेट होते हैं, पाकिस्तान इस वक्त जो सबसे तेज़ रेट कहलाता है, जिसको हम जे अर्बनाइजेशन कहते हैं, स्टीपेस्ट ग्रोथ रेट होता है, हम जो उससे गुजर रहे हैं। सबसे तेजी से सबसे तेज़ी से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है, मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ स्टेजेस पर गुजरती रही हैं, हम इस वक्त इससे गुजर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका जो कॉजेटिव इशू है और जो असल रीजनिंग है, वो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है और उसके हवाले से अर्बनाइजेशन है। लेकिन अर्बनाइजेशन एक न्यूट्रल चीज़ है, आप इसको पॉजिटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी आफत, या जैसे स्मॉग के हवाले से हमने अभी चंद लम्हे पहले बला का नाम दिया, तो ये अर्बनाइजेशन भी एक बला बन सकती है लेकिन अगर इस अगर अगर पॉलिसी इसको पर अगर इसको कंट्रोल या मैनेज ना किया जाए। यहाँ ज़रूरत पैदा होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट शोबे की, जिसको हम सिटी एंड रीजनल प्लानिंग कहते हैं, या शहरी मंसूबा बंदी और देही तरक्की का शोबा कह सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर फोकस नहीं रहा। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर जाऊं, यूरोप में जहाँ से अर्बनाइजेशन की इब्तदा हुई इस स्केल के ऊपर, वहाँ जो सोल्यूशन इसके तदारुक के लिए इस्तेमाल किया गया, वो टाउन प्लानिंग ही था। और हम देखते हैं कि टाउन यानी प्लानिंग के कि हवाले से प्लानिंग इन्वॉल्व की गई। प्लानिंग को इन्वॉल्व किया, और जो इंतहाई अर्ली स्टेज की लेजिस्लेशन हुई थी टाउन प्लानिंग के हवाले से भी, वो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड लॉज की हुई थी कि इंसानों की आबादी जब एक ख़ास हद से बड़ी हो जाए, तो वो नॉर्मल रूटीन में उसको मैनेज नहीं कर सकती। उसके लिए आपको टाउन प्लानिंग भी लानी पड़ेगी, आपको पब्लिक हेल्थ में भी पब्लिक है। हेल्थ में इंटरवीन करना होगा, लेजिस्लेशन करनी होगी, अवेयरनेस करनी होगी, गवर्नमेंट के पार्ट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी, और बल्कि एहसास ज़िम्मेदारी आवाम की साइड पर भी है। तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न जब तक नहीं होगा शहरों में भी, तो हम स्मॉग और इससे रिलेटेड और जो दूसरी बीमारियां हैं, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, वो वाटर बोर्न डिजीज़ेस हों, वाटर बहुत ज्यादा आ गई। जी एग्जैक्टली, तो वो सारी आपको इफ़ेक्ट करेगी। तो मैं तो ये कहता हूँ, जैसे एक शायर ने कहा है कि ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कार गए शीशा गरी का। अब तो तो स्मोग आ गई है तो मास्क लगा के ही सांस लेना मैं ये कहना पड़ेगा। चाहूँगा कि हमें तो एहसास ज़िम्मेदारी ये होना था कि हमने सांस भी बड़ी आहिस्तगी से लेनी थी, लेकिन हमारे लिए आज सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। और ये क्यों हुआ है, मैंने एक रीज़निंग आपके सामने पेश की है, वो टाउन प्लानिंग का फुकदान है। जिस तरह यूरोप ने अर्बनाइजेशन के बावजूद, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बावजूद
अपनी एनवायरनमेंट को मैनेज किया और है थ्रू टाउन प्लानिंग. एक थ्रू बेहतरीन टाउन प्लानिंग. हम भी इसको मैनेज कर सकते हैं. और मैं ये कहता चलूँ कि शायद हम किसी ज़माने के उस्ताद थे टाउन प्लानिंग के हवाले से. वी कैरी अ वेरी ओल्ड वेरी हिस्टोरिक ट्रेजर ऑफ नाइल वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जो सारी दुनिया के लिए मिसाल हैं. जी, और जो आपने हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात की, बल्कि मैं इससे भी थोड़ा सा पीछे मेहरगढ़ की, मेहरगढ़ में तो पहला ऑर्गेनाइज विलेज दही जिंदगी का आगाज बिल्कुल, वहां से किया गया, पूरी जो असल सिविक लाइफ है दुनिया को यहाँ से यहाँ से ये ये तरबियत और ये तालीम जी गई थी. जी आज हमें खुद ये तालीम हासिल करने की और इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, है. तालीम तो है लेकिन पॉलिटिकल विल इसमें नहीं है. वो भी इसी का हिस्सा है. मेरे ख्याल में जिस दिन इस शोबे से मुतालका अफराद पॉलिटिशियंस के, गवर्नमेंट के आँख, कान, नाक महसूस करने के जब तक वो टूल्स नहीं बन जाएंगे, शायद कोई बहुत बेहतर फैसला साजी ना हो वो सके. डॉक्टर साहब इस शोबे के नहीं बनते, लेकिन जो हाउसिंग सोसाइटियों के, इन टाउनों के जो मालिक हैं वो जरूर बन जाते हैं उनके. वो एक अपनी सोसाइटी बनाते हैं और वो उसमें से, आपने देखा होगा, हैजर्ड किस्म हैज़र्ड की वो डेवलपमेंट कर देते हैं. उसमें इस और इशू को जी मैं समझ गया. आप जो सवाल करना चाह रहे हैं, हुआ ये है कि अभी हमने प्रॉब्लम का जिक्र किया ना, अर्बनाइजेशन. जी जी एक्चुअली डेवलपर जो है और जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ फोकस होता है अपनी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के ऊपर. जी जी एक्चुअली पॉलिसी साज ने उसको गाइड करना होता है. एक डेवलपर जो कि हाईली कंसंट्रेटेड है टूवर्ड्स मेजर अर्बन सेंटर्स, अगर पॉलिसी मेकिंग में और टाउन प्लानिंग के हवाले से और अर्बनाइजेशन की प्लानिंग के हवाले से हमने उसको सर, मुख्तलिफ ऑप्शंस दी मैं आपकी होती. बात काटूंगा. पॉलिसी मौजूद है कि ग्रीन लैंड पे हाउसिंग सोसाइटीज नहीं बन सकती एलडीए, लेकिन ग्रीन लैंड्स पे बनी हुई, हत्ता के दरिया के साथ वाली साथ जमीन पे भी हाउसिंग सोसाइटीज बन गई हुई है, दरिया के साथ वाली. उसका रीज़न ये है. मैं फिर अगेन एक शेर, बहुत अच्छा शेर है, मुझे शायर का नाम तो नहीं याद, लेकिन वो बहुत अच्छा शेर है जो इसकी सोल्यूशन भी है शायद. तो शायर फरमाते हैं कि छोटे छोटे शहरों पर क्यों ना इत्तफाक कर लें, खेतियां उजड़ती हैं बस्तियां बसाने से. जी, और तो हमारी हमने इन्वेस्टर का फोकस छोटे और इंटरमीडिएट शहरों की तरफ ना कर पाए, इसकी वजह से प्रेशर लामहाला बड़े बड़े शहर, शहरों पर आ गया और उसकी जो है फिर कॉन्सिक्वेंसेस हमने और देखने थे, कॉन्सिक्वेंस हमने अपनी फजा को आलूदा कर आलूदा कर दिया, दिया, और इस हद तक आलूदा कर दिया कि बीमारियों का शिकार हो. शिकार हो गए. नाजिम, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से सवाल अपना सवाल करते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन. वक्फे पे जाने से पहले हम डॉक्टर ज़मीर साहब से एक सवाल पूछने जा रहे हैं. डॉक्टर साहब, हम पूछना चाहेंगे, ये तो स्मोक की बात होगी, ये एक मखसूस सीज़न, एक दो महीने की बात होगी, लेकिन लाहौर की फ़ज़ा तो सारा साल आलूदा रहती है और इंतहाई, तो वो एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो रेड जोन में रहती है, वो रेड आ रहा होता है उसमें रहती है. तो ये तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमें ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि प्रॉब्लम आए उसका हल करें, जैसे आप कह रहे हैं स्मोक आई तो मास्क लगा लिए, घरों में रहे, बच्चों को छुट्टियां दे दी, ये तो एक वक्ती इसका इलाज होता है.
तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हुकूमत जो है इसका जो फजाई आलूदगी लाहौर की शहर की दूर करने के लिए कोई इकदाम कर रही है या नहीं कर रही, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे किस किस्म के इकदाम होने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वाकई लाहौर का क्वालिटी इंडेक्स जो है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स सारा साल इस रेड जोन में रेड रहता है। जोन में रहते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 50 तक है ना तो ये गुड है, 50 से 100 तक जो है ना वो टॉलरेबल है, 100 से अबव जब जाता है ना तो ये फिर से जो है नुकसानदेह होना, और उसके ऊपर 151 से 200 तक ये डेंजरस हो जाता है। तो लाहौर का जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो आम दिनों में भी हाई रहता है, 100 से ज़्यादा रहता है हमेशा। उसकी बेसिक रीज़न मैं जब भी पहले भी आपसे ये जिक्र हुआ है कि लाहौर में व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब मतलब तो मुझे उसके लिए डॉक्टर साहब उन्होंने मेजर्स तो लिए, पेट्रोल महंगा कर दिया है ताकि फिर लोग कम लेकिन कोई कम असर नहीं इस्तेमाल पड़ा। करें। आप देखिए, उसी तरह सुबह को ट्रैफिक होती है, उसी तरह दोपहर को ट्रैफिक, आपके यहाँ स्टूडियो पहुँचने में मुझे टाइम लग गया है। तो वो मेरा ख्याल है कि वो एक रीज़न नहीं है इसका सोल्यूशन ये है, एक तो क्वालिटी फ्यूल की इम्प्रूव करनी पड़ेगी। लोग यूरो 3 तक चलेगी या दुनिया, आपको पता है हम अभी यूरो 2 पे टिके हुए हैं। दूसरे लोगों को ये एक थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए कि अकेला आदमी गाड़ी में बैठ के जा रहा है, क्या ये नहीं हो सकता कि चंद कुलीग जो करीब करीब रहते हैं वो कारपूल कर लें, 5 गाड़ियों की बजाय एक गाड़ी ऑफिस जा रही है और सारे उसमें चले जाएं, फिर अगले दिन दूसरा। सारी दुनिया में ऐसे है, कारपूल सब जगह होता है। डॉक्टर साहब ये थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है जहाँ ऑफिस डिस्टेंस पे ना, मसलन को लाहौर से बाहर कोई फैक्ट्री है या सबर्ब्स में है, तो वहाँ मैंने देखा है कि अगर कोई करीब रहते हैं तो वो एक गाड़ी में, एक लेकिन हफ्ता किसी एक की गाड़ी जाती है, एक हफ्ता किसी एक की। इस प्रैक्टिस को हमें ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी, लेकिन उसमें सम टाइम होता है ना कि एक आदमी जैसे डिफेंस रहता है और एक आदमी सब्जाजार रहता है, तो उनका नहीं डिस्टेंस लेकिन जो इतना होता है कि वो कार पूल नहीं कर सकते। डिफेंस में रह रहे हैं वो वहाँ के करीबी लोगों से तो कर सकते हैं। अब मैं एक साहब को जानता हूँ जो कसूर में जॉब करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सुबह अर्ली निकलते हैं और मुख्तलिफ एरिया से लोगों को 5 लोग ले जाते हैं साथ अपने, और फिर वापस लेके आते हैं नहीं डॉक्टर साहब उनका। ये अच्छी बात कर रहे हैं, इससे आजकल जो महंगाई है उसको भी कर सकते हैं और हमारी जो पॉल्यूशन है उसमें भी कमी उसमें ला बहुत सकते हैं। फर्क पड़ेगा। ये तो एक, और इसके अलावा आप इसके क्या? अलावा देखिए, अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना, एक मास माइग्रेशन हुई है लाहौर में, जी नियर बाई एरिया से जी जो करीबी, इवन बड़े मतलब लाहौर में आप देखें फैसलाबाद से पतों की इधर उधर गुजरा, बहुत माइग्रेशन नहीं, हुई है ये तो लाहौर करीबी के एरिया, लाहौर में तो आपकी साउथ से माइग्रेशन हुई है, अपर हर तरफ से, पंजाब से हर हुई है, तरफ से, हर तरफ से। केपी के से हुई है सर, लेकिन ये तो कॉस्मोपोलिटन सिटी बन गया, इन एरिया से ज़्यादा हुई है बलोचिस्तान से हुई है। जी। तो ये जो पहले जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर हम जो उनके एरियाज के अंदर फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर देते हैं, वहीं इंडस्ट्री लगा दें, वहीं जॉब, अच्छा तो ये माइग्रेशन कम हो जाएगी। लेकिन आपने क्योंकि पूछा कि क्या फर्दर किया जा सकता है, फर्दर एक तो लोगों से ये रिक्वेस्ट की जा सकती है कि मैं जो ख़ास तौर पे देखता हूँ कि जब वो सिग्नल पे खड़े होते हैं ना, तो 3-3, 4-4 मिनट वो गाड़ी स्टार्ट रखते हैं, मोटरसाइकिल स्टार्ट रखते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए उसको बंद कर दें और जब सिग्नल ग्रीन येलो पे आए उसको स्टार्ट कर लें, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये लोगों की भी जिम्मेदारी है ना जी, ये भी आप एक अच्छी अच्छी सजेशन दे रहे ये हैं। भी लोगों की एक जिम्मेदारी है ना। दूसरे प्लांटेशन करें, गवर्नमेंट अपने लेवल पे प्लांटेशन कर रही है, लोगों को भी चाहिए कि अपने मतलब सब जानते हैं इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से कि फ्लोर गार्डनिंग को जो है वो फ़र्वा देना चाहिए। डॉक्टर साहब और ये मैंने देखा, आपकी बात थोड़ी सी रोकूंगा, प्लांटेशन गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपने रास्ते बनाए हैं, सड़कें चौड़ी किया या और उन्होंने डेवलपमेंट किया, तो दरख्त काट दिए, बड़े 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 पुराने दरख्त थे वो, बेशुमार दरख्त काटे हैं, और एक दफ़ा तो स्टे भी हुआ था, गवर्नमेंट जी ने कहा हाँ, था इसकी जगह ना हम और लगाएंगे प्लांटेशन करेंगे। अच्छा, वो उन्होंने प्लांटेशन की, वो प्लांट लगाए, दरख्त नहीं लगाए। जो पौधा है वो क्या दरख्त का निर्मूल बदल हो सकता है एनवायरनमेंट?
हाँ तो नहीं हो वो सकता, पौधे यकीनी तौर लगा पे। कर आपको खुशनुमा पौधे लगा देते हैं, और फिर लेकिन उसकी लुक आफ्टर भी नहीं होती लुक है, आप आफ्टर भी देखेंगे नहीं ना कि होती। वक्त कुछ अरसे बाद आपको मुरझाए मिलेंगे। और अभी मैंने देखा है कि अभी जो हालिया बारिशें हुई हैं इसमें काफी दरख्त गिरे हैं। अच्छा, वे एक तो वैसे हुए हैं, और ये बारिशों में या ऐसे हर साल बारिशों में मैंने देखता हूँ कि रास्तों कई जगहों पे ना दरख्त गिरे होते हैं, वो गिर जाते हैं, कट जाते हैं, उसके बाद उसकी जगह कोई नया प्लांट तो लग जाता है, लेकिन कोई ट्री जो है वो नहीं लगता। अगर ट्री की लगाने की जो है कि वो देखें, ट्री तो शुरू तो वैसे प्लांट से ही होता है, नहीं, लेकिन अगर वो आप जो चाहें कि वो ये पूरा ट्री ला के लगाया जाए। नहीं, वो इन्होंने वो जो प्लांट, नहीं वो ये तो नहीं कहता कि कहीं से ट्री उठा नहीं, के ये लगाया पॉसिबल जाए। है, इन्होंने की भी है प्रैक्टिस यहाँ पे, ये जो कैंपस वाली वो लोग जो, खजिया, लेकिन वो खजिया लगाते हैं, हाँ, वो लेकिन वो भी खजूर नहीं चल वाली, सके ये प्रॉपरली ना। अब वो लगाते हैं, वो उस पे एनवायरनमेंट पे इतना इम्पैक्ट नहीं आता। देखिए, कुछ दरख्त ऐसे हैं, कुछ ट्रीज ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ बड़ी रैपिड और फास्ट है, जैसे बेम्बो है या ये सफेदा है, इस किस्म के दरख्त। ये अगर ग्रीन बेल्ट पे लगाया जाए ना तो जल्दी बढ़ते हैं, और जल्दी बढ़कर ये हमारी कमी किसी हद तक पूरी कर सकते हैं। तो इस किस्म के प्लांट लगाने चाहिए, और ग्रीन बेल्ट को जो है वो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उसके ऊपर लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि इधर उधर लगा के बाद में भूल जाएं, और फिर उसका प्रॉपर लुक आफ्टर भी हो, उसको देखा भी जाए, और लोग भी अपने घरों में प्लांटेशन करें, उनको देखें, उनको आगे चलाएं, तो मैं समझता हूँ कि पोल्यूशन के ऊपर काफ़ी फर्क पड़ सकता है। देखिए, एक तो ये हो गया प्लांटेशन, एक लोग अपना जो गाड़ियों का इस्तेमाल है वो कम से, लेकिन एक और फैक्टर है वो आपने देखा होगा, जो स्कूल रन है। आप जब सुबह स्कूल टाइम होता है या छुट्टी का टाइम होता है, तो गाड़ियों के घोल जा रहे होते हैं स्कूलों के आगे खड़े। एक तो वो गाड़ियाँ होती हैं जिन्होंने बच्चों को छोड़ना या लेना होता है, एक दूसरी ट्रैफिक होती है जो उसकी वजह से पीछे खड़ी होती है, रुकी हुई होती है कि वो जी। स्कूलों ने वो रोका होता है, और स्कूल वाले या ट्रैफिक पुलिस वाले वो उस टाइम की ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल वालों को चाहिए कि लोगों ने बच्चे छोड़ने आना है तो आप कम अज़ कम अपने कोई स्टाफ मुकर्रर करें, कोई ट्रैफिक पुलिस वहाँ की एक प्लान कर दें, ट्रैफिक को एडमिनिस्ट्रेटर कर दें कि वहाँ टाइम ज़ाया ना हो, और वो जैसे आप कह रहे हैं पेट्रोल ज़ाया ना हो, तो उससे भी क्या आप समझते हैं जी जी फर्क? बहुत। देखिए, ये जो पीक आवर्स है ना, सुबह और दोपहर के, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है टाइम के ऊपर, क्योंकि ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा होता है। आपकी बात जहाँ तक है वो दुरुस्त है, लेकिन एक तो ये कि स्कूल और कॉलेजेस के टाइमिंग में फ़र्क रखना चाहिए, और ऑफिसेज के टाइमिंग में, इनमें फ़र्क होना चाहिए, ताकि ट्रैफिक पे लोड लोड जरा ज़्यादा ना हो। लोड ये इनमें टाइम कम से कम आधे आधे घंटे का टाइम डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए। दूसरे स्कूलों के लिए जो मुझे, मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि कोई हमारे स्कूल, क्या आप मैरिज हॉल देख लें, कहीं देख लें, कोई पार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है, तो उनको अपनी पार्किंग रखनी चाहिए जहाँ पे गाड़ी आके अगर पहले, या फिर ऐसा बंदोबस्त करें कि जैसे गाड़ी आई है, बच्चा बैठा और निकल गया, रुके ना वहाँ पे ट्रैफिक, जी, उसको ऑर्गेनाइज करें ना ऑर्गेनाइज करें प्रॉपर इस तरीके से, तरह। फिर तो ये हो सकती है। और पुलिस अगर इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना चाहे तो कर सकती है, एक गाड़ी आई, उसको कहा चलो भी निकलें, आगे जाए, फिर दूसरी तीसरी, ये सारी ऑर्गेनाइज, लैक ऑफ डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ नहीं है। साहब, डॉक्टर साहब से बात करें, डॉक्टर साहब जैसे अभी अर्बनाइजेशंस की बात हो रही थी, डॉक्टर जमीर साहब भी ये कह रहे थे कि ये बड़ी तेज़ी से हो रहा है। इस वक्त जो लाहौर के मैं देख रहा था तो 4% के हिसाब से हर साल हर साल हो रही अर्बनाइजेशन है। हो रही है। तो जैसे अभी आपने बात की थी यूरोप की कि वहाँ भी अर्बनाइजेशन हुई है, लेकिन उन्होंने इसको बड़ी अच्छी टाउन प्लानिंग से, बड़ी खूबसूरती से इसको शहरों के अंदर समो दिया है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ा, शहर नहीं, बेहतर ही हुआ है, खराबी नहीं जन्म ली। तो हमारे यहाँ भी कोई ऐसी पॉलिसी है, एक्टिव टाउन प्लानिंग पॉलिसी है, कि ये अर्बनाइजेशन जो हो रही है इसको बेहतर तरीके से मुनज़्म अंदाज में कंट्रोल किया जा सके? बिल्कुल, गवर्नमेंट के एंड पर एफर्ट्स तो हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना बड़ा इशू है
उस स्केल की एफर्ट्स का फुकदान है अभी उतनी हमें, चूँकि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, आपने कुछ फिगर्स भी कोट कर दी, राउंड अबाउट 4% के हिसाब से अगर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ये फिगर कुछ हमें बताती है कि इसका एक बैकग्राउंड है। हम जानते हैं कि नेचुरल हमारा ग्रोथ रेट 4 नहीं है, सो व्हाट डज इट मीन, मतलब ये है कि देर इज़ एन इन माइग्रेशन फैक्टर है इसमें। जी। जब हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो इसको दो तीन और बास औकात चार अवामिल इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन बुनियादी तीन अवामिल हैं। नंबर वन, नेचुरल ग्रोथ रेट, वो ज़्यादा हो, पॉपुलेशन बढ़ेगी और अर्बन एरिया में अर्बनाइजेशन का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरी बात, इन माइग्रेशन, और जैसे अभी शुरू में ज़िक्र हुआ कि चूँकि सहूलियात का फुकदान है, चंद शहरों तक महदूद हैं, तो लामहाला लोग रूरल एरिया से माइग्रेट करके बड़े शहरों की तरफ आते हैं, और उनका टेम्प्रेरी आना नहीं होता बल्कि वो परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। ना सिर्फ वो बल्कि उनकी आने वाली जनरेशन्स भी वहीं सेटल डाउन हो जाती हैं। ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर भी है जो मैनी टाइम्स अनरिटन है, अनडिफाइंड है, वो ये है कि शहर ख़ुद अपनी जुरिस्डिक्शन को और हदूद को बढ़ा लेते हैं। एक ख़ास स्टेज थी, लाहौर शहर की एक बाउंड्री थी, वॉल सिटी जिसको हम कहते हैं, जी उसको हमने क्रॉस किया। फिर भी 4-5 डेकेड्स पहले एक डिफाइंड लाहौर का था, और इधर आफ्टर रावी रावी तक था और एग्जैक्टली इधर ठोकर न्याज बेग तक जी, था। और आपको फिर रूरल लैंडस्केप नज़र आनी शुरू हो जी जाती जी थी। लेकिन अब हाल ये है कि अब तो आप लाहौर शहर कसूर तक चले जाएं कसूर तो तक, गुजरांवाला तक, शेखुपुरा तक, और मैं समझता हूँ कि ये पूरा एक अर्बन एग्लोमरेशन बन गई है, जिसकी एक्सटेंट इवन सियालकोट, जी वज़ीराबाद तक और कसूर, शेखुपुरा, इनका तो हमने ज़िक्र कर ही दिया। और अल्लाह ना करे कि अगर ये एक ही एग्लोमरेशन बन गई जिसमें कि फैसलाबाद रीजन भी इसका पार्ट बन गया, फैसलाबाद खुद बहुत तो बड़ा वो ख़ुद एक बहुत बड़ा है, तो एक ह्यूज और इनॉर्मस किस्म के इश्यूज़ हमारे सामने आएंगे। है। ये अभी तो तो एक हम बड़ी स्मॉग से, बड़ी खौफनाक पिक्चर आप ये दिखा खौफनाक रहे भी नहीं, उसमें ये है कि फुकदान है प्लानिंग का। अभी जैसे बात हो रही थी, बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब ने बातें की, प्लांटेशन होनी जी चाहिए, हमें थोड़ी सी एहतियात बढ़ानी जी जी चाहिए, अब गाड़ियों स्कूल के और इस्तेमाल में गाड़ियों के इस्तेमाल के हवाले से बात की, पूलिंग के हवाले से बात की, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अगेन रिएक्टिव मोड है। जी, यही मैं बात करूं कि ये तो जब हो गया, ये मामला जी, हो गया, हमें जो प्रोएक्टिवली फॉरवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड जो लुकिंग होना देखना होगा, देखना, जो मैंने अभी इंडिकेट किया है कि खुदा ना खास्ता वो सिचुएशन जैसे अभी विजुलाइज अभी करें। आपने एक सिचुएशन फॉरवर्ड लुकिंग, एक जी, फ्यूचर एक का सिनेरियो बनाया है हमने, सिनेरियो तो कि इस तरफ वो भी हम जा जा सकते हैं। सकते हैं, और वो आज नहीं है लेकिन मे भी 20-30 सालों में वो एक रियलिटी हो। तो प्लानिंग असल में नाम ही फ्यूचरिस्टिक डिसीशन मेकिंग का है। हमने रिएक्टिव मोड को और डिसीशंस को हम प्लानिंग कहते भी नहीं हैं। और मैं अर्ज़ करूं कि ये जिस सिचुएशन से आज हम गुजर रहे हैं विद लेसर स्केल, लाहौर शहर को ही मिसाल बना लें, आज से 100 साल पहले पतरस बुखारी ने भी लाहौर के हवाले से एक बड़ा मजाया लाहौर मजमून लिखा था, लाहौर का का जोग्राफिया, और जोग्राफिया, आप वो उसके स्टेटमेंट पढ़ें, वो यही प्रॉब्लम्स इंडिकेट कर रहे थे कि जी, लाहौर जिस तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लाहौर तो सूबा एक होगा और पंजाब इसका शहर होगा पंजाब, हाँ और लाहौर लाहौर दारुल खिलाफा होगा, और सॉरी सूबा होगा, पंजाब और पंजाब इसका, इसका दारुल और खिलाफा उन्होंने कहा होगा, था लाहौर के इर्द गिर्द भी लाहौर ही लाहौर है। ही है। तो अगर 100 साल पहले ये कंडीशन थी, तो हमें आज सोचने की ज़रूरत है कि हम उससे बहुत बड़े स्केल पर और बड़ी बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार होने जा रहे हैं। हमें आज से वो फैसले करने होंगे। और मैंने जैसे बताया कि इन तमाम बीमारियों का एक बहुत बड़ा सोल्यूशन जो है वो सिटी एंड रीजनल प्लानिंग है। हमें सिटी प्लानिंग भी करनी होगी और रीजन्स को भी प्लान करना होगा।
और उस हवाले से यूरोप ने हमारे सामने जिंदा मिसाल है, उन्होंने करके दिखाया है। और मैं अर्ज करता चलूँ, हिस्ट्री हमें बहुत लेसन सिखाती है। जैसे अभी हमने मोहनजोदड़ो हड़प्पा की बात की, आपने मेहरगढ़ की बात कर दी, मैं आपको सही बात बताऊं कि यूरोप ने ये जो लेसन सीखा है और जिसमें उन्होंने टाउन प्लानिंग को रियली अपनी पूरे कॉन्टिनेंट में अप्लाई करके दिखाया है, इसमें तमाम ममालिक शामिल हैं, इटली से लेकर स्पेन से लेकर जर्मनी से लेकर और फ्रांस तक, पूरे मेन लैंड यूरोप ने इसको जो यूज़ किया है, उसके पीछे मुहर्रक हमारे अपने नेशनल पोएट हैं। और जी हिस्टोरिकल फैक्ट है कि ये आइडिया अब अलामा इकबाल ने लामा उन्हें दिया था, और वो उनके हमें एक शेर में भी रिफ्लेक्ट होता है कि मेरी निगाह नहीं सूए कूफा और बगदाद, करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद। बस्तियां हमने अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, यू नेम इट, हमने कितने नए शहर बनाए हैं। जब नए शहर नहीं बनाए तो क्या होना था? जो पॉपुलेशन प्रेशर है, आज हम 24-25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क हैं और हमने शहर नहीं बनाया तो कहाँ प्रेशर जाना था? जो एग्जिस्टिंग शहर थे एग्जिस्टिंग उन्हीं के ऊपर आना अच्छा था, और उनमें भी ज़्यादा प्रेशर कहाँ आना था? जो ज़्यादा डेवलप्ड शहर थे। सो इस जाविये से मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि LDA और बहुत सारे इदारों ने एफर्ट्स की हैं, नई प्लान्ड सोसाइटीज़ बनाई हैं, लेकिन चूंकि एनॉर्मिटी ऑफ इशू और वो स्केल उसका इतना बड़ा है कि ये हमारी एफर्ट्स उसके सामने विदस्टैंड नहीं डॉक्टर कर साहब, सकती। इसमें फिर वो आपकी बात आ जाएगी जो आपने बयान की कि हमें जब तक हम फॉरवर्ड प्लानिंग को जी हम फ्यूचरिस्टिक होके नहीं देखेंगे बिल्कुल, उस वक्त तक ये हम ऐसे ही चलते ऐसे रहेंगे। ही चलते। अगर आपने प्लानिंग करंट सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए प्लानिंग करनी है तो उसका वक्ती फ़ायदा वक्त ही तो हो फायदा जाएगा, लेकिन जो आइंदा आने वाली जो जी, चीज़ें उसमें फिर हम इसी तरह हाथ धरे बैठे बिल्कुल रहेंगे सही और सोचते रहेंगे कि अब हम जी। इसका क्या करें। और यूनाइटेड नेशंस भी हमारे सामने नस्बुलैन रखती है कि हमें रिस्पॉन्सिबल जनरेशन बनना है, और हमने वो काम करने हैं कि हम अपनी आगे आने वाली नस्लों के लिए कर्ज, बीमारी, इश्यूज ना छोड़ कर जाएं, बल्कि उनके लिए एक जी हैप्पियर, लिवेबल, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट और दुनिया छोड़ कर जाएं। और ये इंसानियत का तकाजा भी है। अल्लाह पाक ने हमें, आपको आज़ाद पैदा किया है, बहुत सारे इख्तियारात दिए हैं। इस आज़ादी के दो रुख हो सकते हैं, क्योंकि आज़ादी कुछ जिम्मेदारियों को भी साथ लेकर चलती जी है, देखिए, हमें ये उसका एहसास कंप्लीट करना कंप्लीट होगा। नहीं हो सकता जब तक आप फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं होता। नहीं होता तो हम पाकिस्तान को भी, अपने शहरों को भी, अपने देहात को भी जन्नत का नमूना बना सकते हैं। अल्लाह ने इख्तियारात दिए हैं हमारे मुल्क में, रिसोर्सेज की, ह्यूमन रिसोर्सेज से लेकर नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, कंडीशंस, वेरिएशंस, डाइवर्सिटी, अल्लाह पाक ने हर चीज़ दी हुई है। सिर्फ थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज मजबूत कर और ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, और फ्यूचरिस्टिक होने की ज़रूरत है। अप्रोच अगर आपकी फ्यूचरिस्टिक है। तो फिर ये कोई, जैसे यूरोप ने कर लिया, जैसे दूसरी अकवाम ने कर लिया, हम भी कर सकते हैं दुनिया ने बहुत सारे काम किए, अगर हम भी सही जी। तरीकों को, सही अजजाए तरकीबी, यानी कि बिल्कुल हमारी सही, सही रेसिपी हमारी ठीक होगी होगी, तो जायका क्यों नहीं आएगा, जायका और भी दुनिया ठीक, तारीफ क्यों नहीं करेगी। तारीफ भी और कर। हम तो खुद सबक उन्हें सिखाने, मैंने जैसे अल्लामा जी इकबाल का जिक्र कर दिया, उन्होंने उनकी उस बात को सीरियसली लिया, उसके ऊपर पॉलिसी सेट की, और आज हम देखते हैं, अगर मैं सिर्फ अपने शोबे की बात करूँ ना, इवन अमेरिकन प्लानिंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए आइडियलिस्टिक प्लानिंग। वहाँ भी अर्बनाइजेशन हाईएस्ट स्केल पर है। ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी हमें इश्यूज़ नज़र आते हैं। जिस तरह पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट ने अपनी पॉपुलेशन को, अर्बनाइजेशन को कंट्रोल किया, तो वहाँ हमें बड़े शहर नज़र ही नहीं हाँ आते। वही तो सो जी एज़ हमें
इतने बड़े रोड जंक्शंस और इस किस्म के जी केओस और इस किस्म के इन्वायरमेंटल इश्यूज डॉक्टर वो नज़र नहीं साहब, बड़ी आते। दिलचस्प, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, आज हमारे ये दो माहरीन जिन बातों की तरफ इशारा कर रहे थे, काश हमारे अरबाब इख्तियार भी इन बातों की तरफ तवज्जो दें और इन पे अमल पज़ीर हों, ताकि हम एक बेहतरीन खूबसूरत पाकिस्तान की इब्तदा कर सकें। शुक्रिया, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। Thank you.